एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम और वहाँ चल कर एक्सप्लोर करने वाले हैं जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे जो रह चुके हैं देश के, जितने साल आज़ाद हो चुके हैं देश को, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं हर 5 साल में, तो उनका इतिहास जानने और क्या क्या वो यूज़ करते थे, कौन सी मतलब जो गाड़ियाँ हैं वो यूज़ करते थे और क्या इतिहास रहने वाला है, सारी चीज़ें चलकर एक्सप्लोर करते हैं। तो व्लॉग में बने रहिएगा और जो भी यहाँ चैनल पे हैं न्यू वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ऐसे ही व्लॉग, ये है इसका एंट्री गेट, यहाँ से इसकी एंट्री, अंदर चलते हैं पूरे राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से है इसका रास्ता और ये है राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम का। QR कोड से स्कैन करके भी टिकट बुक कर सकते हैं और स्कूल वालों बच्चों के लिए फ्री एंट्री है। बेसिक प्राइस इसका 50 रुपीज़ पर पर्सन, 50 रुपये टिकट है। दोस्तों आप जो है ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं और ऑनलाइन भी, यहाँ से एंट्री है इसकी। अंदर चलते हैं, एंट्री कर दें। ब्यूटीफुल सी आपको रोड दिखाई देने वाली है और ये सामने आपको प्रॉपर एक वाइट हाउस दिखने वाला है और जो म्यूज़ियम है दोस्तों वो साइड में है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय यानी म्यूज़ियम है जो वो साइड है, उससे पहले हम ये एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर भी अपोजिट में भी जो है वो भी है म्यूज़ियम है, लेकिन उससे पहले मैं एक्सप्लोर करता हूँ MiG-21 लड़ाकू विमान जो श्री द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट के द्वारा क्रिएट करवाया गया है। ये हमारे देश के जो एयरक्राफ्ट मैन है वो यूज़ करते हैं, ये सामने रखा गया है। और जो भी वाइट्स बिल्डिंग दिख रही है ये पूरा ही म्यूज़ियम है, बट म्यूज़ियम से बाहर का पहले मैं आपको दिखाता हूँ फिर चलते हैं अंदर। देखो दोस्तों इस साइड भी म्यूज़ियम है और रोड क्रॉस करके उस साइड भी म्यूज़ियम है, दोनों साइड म्यूज़ियम है, तो दोनों साइड का म्यूज़ियम चलकर एक्सप्लोर करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना ग्रीनरी बहुत ब्यूटीफुल है, इवनिंग टाइम पे आएंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ। चलते हैं अंदर दोस्तों। जब भी आप आए ना MiG-21 के पास सेल्फी पॉइंट है, इस पर सेल्फी यानी फ़ोटो लेना ना भूलें। तो अभी चलते हैं, यहाँ से है दोस्तों इसकी एंट्री राष्ट्रपति भवन की। अंदर चलते हैं म्यूज़ियम में, एंट्री करते हैं। ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग शो कर रही है, यहाँ से एंट्री, चलते हैं पूरा म्यूज़ियम चेक करते हैं। ये ब्यूटीफुल सी मर्सिडीज़ बेंज आपको दिखाई देगी, इसका मॉडल जो है दोस्तों मर्सिडीज़ बेंज 500 सेल्स, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा ये यूज़ की गई थी जब वो इन देश के राष्ट्रपति थे। तो ये आज भी मौजूद है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इतनी ब्यूटीफुल तरीके से इसको रखा गया, तो आज भी ये मौजूद है दोस्तों, कई सौ साल पुरानी है मर्सिडीज़ बेंज 500। तो दोस्तों ये तो आपने देख ही ली होगी मर्सिडीज़ बेंज 500 जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति ने इस्तेमाल की थी। चलते हैं अब इस तरफ, ये है हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे उनके द्वारा जो जिससे सवारी करते थे पहले के टांगा यानी इसको बुग्गी भी कह सकते हैं, तो ये दोस्तों उस टाइम के हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलते हैं इस साइड दोस्तों, काफ़ी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, दोनों साइड एक्सप्लोर करेंगे। पूरे ही राष्ट्रपति भवन का दिल्ली का जो है पूरा मैप दे रखा है और जो जो यहाँ पर राष्ट्रपति रहे थे पहले उनकी स्टैचू यहाँ पर प्रॉपर शो किए, ये प्रॉपर देख सकते हैं। तो ये है पूरा राष्ट्रपति भवन का मैप दोस्तों। हाँ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ये स्क्रीन दी गई है, इसके बारे में आप हिस्ट्री रीड कर सकते हैं, प्रॉपर स्क्रीन पे जाके आप देख सकते हैं और इसके बारे में रीड वगैरह भी कर सकते हैं आराम से। और ये दोस्तों आपको मिलेगी पहले की जो है कोयले की जो है टांगा जो कोयले से क्रिएट करके चलाया जाता था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों इस तरफ, लगेज कोच है जो पहले यूज करते थे, एक टेक्निकल प्रॉपर एक क्रिएशन गया है यहाँ पर आकर जो है माउस वगैरह रखें, माउस से आप जो है आप इस पूरी हिस्ट्री को रीड कर सकते हैं पहले की जो 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 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। देखिए मैं माउस से चीज़ को क्लिक करके और हाइड कर रहा हूँ, मतलब स्लाइड कर रहा हूँ, तो आप भी इसका इस्तेमाल करके इसको पूरी हिस्ट्री रीड कर सकते हैं, बहुत टाइम है आपके पास। चलते हैं दोस्तों, तो ये बहुत यूज़फुल होने वाला है आप सबके लिए, बेहतरीन चीज़ है ये बना रखा है सिस्टमेटिक। फिर आ जाते हैं इस साइड, ये जो व्यू मिलने वाला है आपको, ये डांडी मार्च जो निकाली थी हमारे गांधी जी ने, डांडी मार्च यात्रा, तो ये उसको दर्शाने के लिए लोगों के सामने क्रिएट किया गया और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से गया, यानी जो मिट्टी होती है ना ओरिजिनल वैसे ही तरीके से क्रिएट किया, आप देख सकते हैं नीचे।
तो ये डांडी मार्च यात्रा का जो है प्रॉपरली लोगों के सामने दर्शाया है और बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों। तो आप जो है स्लाइड करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो कि वर्किंग हैं गवर्नमेंट्स में, इसमें स्लाइड करके आप देख सकते हैं बहुत से क्लिक करके। और ये दीवार पे बहुत ही अच्छी कला मिल जाएगी, सांस्कृतिक जो पहले हो चुका है, कला दीघा इसका नाम दिया गया है। ये देखिए यहाँ लिखा है आर्ट गैलरी कला दीघा, तो बहुत ब्यूटीफुल सी मिल जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही नॉलेजेबल प्लेस है दोस्तों। अभी 5% एक्सप्लोर गया, चलते हैं आगे। तो इस तस्वीर को देख के आपको कुछ याद आया होगा, ये फ्रीडम एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब हमारे देश का बंटवारा तो हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो जबकि ये तस्वीर को प्रॉपर वैसे ही क्रिएट किया गया। ये देखिए जिनको मतलब अदर कंट्री जाना था वो अदर कंट्री चले गए, जिनको यहीं रुकना था, तो यहाँ पर प्रॉपर पार्टीशन का भी दिखाया गया है। यहाँ पर सारे ही रिलीजियस के तरीके से शो कराया गया। बिल्कुल दोस्तों ये जो तस्वीरें मुझे नज़र आ रही हैं बिल्कुल रियल लग रही हैं। ये गांधी जी देखिए, यहाँ पर गांधी जी बैठे हैं और यहाँ पर ये मोहम्मद अली जिन्ना है, ये पाकिस्तान के। तो ये डिस्कस कर रहे थे पार्टीशन के टाइम की, और वो जो है सैफर्ड क्रिप्स हैं। तो ये पार्टीशन के लिए ब्रिटिश राज्य के और हमारे इंडिया के गांधी जी पार्टीशन के टाइम डिस्कस कर रहे थे कि देश को अलग ना होने दे, लेकिन फिर भी पार्टीशन हुआ दोस्तों। तो उसके द्वारा दर्शाया गया है, यह हमारे देश के जो है जवाहरलाल नेहरू और ये लियाकत अली खान, और ये हैं दोस्तों चक्रवर्ती राजा कोरियारू जी। तो ये भी उस टाइम पे प्रॉपर उसको दर्शाया गया है, डांडी मार्च यात्रा के द्वारा भी ये सामने प्रॉपर व्यू दिखाया गया है। तो दोस्तों ये जो पिक्चर्स हैं बिल्कुल ही रियल एक्चुअल लग रही हैं। तो यहाँ पे आके बहुत ही एक पिछली यादें आपको झंझोड़ के रख देंगी जिस टाइम पे पार्टीशन हुआ था। और ये देखिए डांडी मार्च यात्रा का यहाँ पर भी व्यू दिखाया गया है, प्रॉपर बिल्कुल रियल व्यू लगेगा आपको दोस्तों ये डांडी मार्च यात्रा का। और कॉन्फ्रेंस हुई थी सुभाष चंद्र बोस के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, तो जब को जब का दर्शाया गया लाहौर कॉन्फ्रेंस में 1929 को ये झंडा फहराया गया था। कॉन्फ्रेंस के बाद ये हमारे देश के सुभाष चंद्र बोस के साथ जो हमारे ये दिखाया गया है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, जो कि आपको ये ऐसे लगेंगे बिल्कुल एक्चुअल रियलिटी के साथ। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स को प्रॉपर क्रिएट किया है, जो कि 1920 में ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ था, उसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तो वो उस चीज़ को दर्शाया गया है। चीज़ की वजह से ही मैं यहाँ पे आया था। ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसको मैंने बहुत अच्छे से रीड भी किया है। तो दोस्तों ये वैसे ही अंग्रेज़ों ने हमारे देश के नागरिकों पर बिना अंधाधुंध देखे फायरिंग स्टार्ट कर दी। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही दर्शाया गया है ब्लड्स के साथ। ये देखिए तो ये जलियांवाला उत्तर जो कांड हुआ था जब का व्यू है, और जब के पिक्चर्स को प्रॉपर लोगों के सामने दर्शाया कि लोग समझे। तो दोस्तों बहुत परेशानियां उठाई है हमारे देश के नागरिकों ने आज़ादी के लिए। ये देखिए ये अच्छे से जलियांवाला बाग हत्याकांड को प्रॉपर दर्शाया गया है। ये ब्रिटिश राज्य की जो सेना थी बिना सोचे समझे उन्होंने फायरिंग कर दी दोस्तों। यह पार्टीशन ऑफ बंगाल का व्यू दिया गया है, यानी जब बंगाल में पार्टीशन हुआ था ना, लोगों का अलग हुआ था, लोग कहाँ रहना चाहते हैं, तो उस टाइम पे लोग इतने मतलब उन लोगों के समझ नहीं आ रहा था, तो लोगों ने अपने जो कपड़े वगैरह सब जला दिए थे। तो दोस्तों उस चीज़ को बिल्कुल रियलिटी के द्वारा दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये पूरा सारा जो प्रोसेस था और ये थी इसकी थ्योरी, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है, नॉलेजेबल है। तो आप यहाँ पर विज़िट करेंगे बहुत कुछ गेन होगा। ये अभी 15% ब्लॉग हुआ है, अभी आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये एक्सलेटर यहाँ पर, एक्सलेटर से नीचे चलते हैं वो भी एक्सप्लोर करते हैं पूरा म्यूजियम। तो दोस्तों ये दिया है यहाँ से एक्सलेटर नीचे जाने के लिए म्यूजियम के अंदर, तो यहाँ से नीचे चलते हैं और नीचे का म्यूजियम भी एक्सप्लोर। संविधान के रक्षक, जो संविधान के रक्षक होते हैं वो एक एक करके सब आप यहाँ के अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, सारे ही रीड्स कर सकते हैं। तो ये संविधान के रक्षक हैं साइड यहाँ पर, जो दोस्तों सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, तो जो कमांडर थे उनके जो है यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। जो बैटल हॉनर हुआ था, यूनिट कैशन हुआ था, डिफेंस का यूनिट अप्रिसिएशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी जो है ड्रेसअप वगैरह यहाँ पर जो लोग यूज़ करते थे वो मिलने वाली है दोस्तों। बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए मून स्टोन, जो चांद से पत्थर लाया गया था, देखिए इसमें अभी तक रखा हुआ है, जो चांद से लाया गया था पत्थर, तो ये भी मौजूद मिलने वाला है, और इसकी हिस्ट्री आकर आप रीड कर सकते हैं। बहुत ही
गेनेबल होने वाली है। वो प्लेस है प्रेसिडेंट स्टडी, यानी यहाँ पे बैठ के लोग प्रेसिडेंट जो है ना देश के राष्ट्रपति वो स्टडी करते थे, मतलब निर्णय लेते थे यहाँ बैठकर सोचकर कैसे क्या करना है। तो उस प्लेस को बहुत अच्छे से यहाँ पर लोगों के सामने दिखाया गया है, यानी दर्शाया गया है। जो है RBI बैंक का विस्तार दिखाया गया है, उसने कब कब सिक्के, कौन से सिक्के चलन में रखे, कब उन्हें बंद किया, कौन से नोटों को स्टार्ट किया, कब बंद किया, उसके प्रॉपर अच्छे से विस्तार में एक्सप्रेशन देके समझाया गया है, प्रॉपर एक्सप्लेन करके। तो आप जब भी आएँ तो ये सबसे पहले रीड कर लिया। हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं जो रह चुके थे, उनके बारे में बताया गया है। तो एक जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके बारे में यहाँ पर इन्होंने उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया, सिर्फ इन्हीं का कार्यकाल इसमें दिखाया, बाकी तो दिखाया नहीं है इसमें किसी का। ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की जो सामान वो यूज़ करते थे वो यहाँ पर लोगों के सामने दर्शाया गया। आप देख सकते हैं उनकी ड्रेस है, कोट्स है, सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया और बहुत अच्छे से दर्शाया गया प्रणब मुखर्जी। और ये जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे उन लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसके बारे में प्रॉपर दर्शाया है लोगों के सामने, ताकि यू नो लोग को नॉलेज गेन हो और आगे के वो काम में आए। ये अवार्ड्स हैं सारे। दोस्तों चलते हैं वर्चुअल रियलिटी में, तो अंदर चलते हैं। रियलिटी से पहले गेट क्लोज करने के लिए बोला है, बहुत सारी भीड़ यहाँ पर जमा हुई है। आप वर्चुअल रियलिटी स्टार्ट होने वाली है। 24 घंटे में 8 बार आपस में मिले और जैसा कि इतिहास में जाना जाता है वर्चुअल रियलिटी में बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं बाहर आ गया। वर्चुअल रियलिटी में रियलिटी बताई जाती है जो पहले हुआ था, एक स्क्रीन पे प्रॉपर दिखाया जाता है, वर्चुअल रियलिटी के अंदर दर्शाया जाता है, तो इसलिए मैं बाहर आ गया। बहुत लंबा होता है तो चलते हैं आगे एक्सप्लोर। जोन हो गया है प्रॉपर सारा एक्सप्लोर, अब दूसरी बिल्डिंग में चलते हैं रोड क्रॉस करके। मैंने बताया था 2 बिल्डिंग हैं जो है राष्ट्रपति भवन म्यूजियम की, चलते हैं इस बिल्डिंग से लेते हैं एग्ज़िट, क्योंकि ये हो गया है यहाँ से एग्ज़िट का चिन्ह भी दे रखा है। यहाँ से एग्जिट लेके दूसरी बिल्डिंग भी एक्सप्लोर करते हैं, ये वन साइड की। यहाँ से आ गए हैं दोस्तों प्रॉपर बाहर, और बाहर जाने के बाद दोस्तों वो है सामने बिल्डिंग, उसको भी एक्सप्लोर कर। दोनों साइड है दोस्तों, ये दूसरी बिल्डिंग है, इसके अंदर भी म्यूज़ियम है, यहाँ भी चलते हैं अंदर। दोस्तों एंट्री करते ही ब्यूटीफुल सा आपको पार्क का एनवायर मिलने वाला है, और वाइट बिल्डिंग ब्यूटीफुल मिलने वाली है। तो अभी अंदर ही चलना है हमें। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लीनिंग मिल जाएगी आपको, ये देखिए बनियन ट्री मिल जाएगा बड़ा सा, और बहुत ही अच्छे सा फाउंटेन मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं अंदर, वो एक्सप्लोर करते हैं म्यूज़ियम डिटेल्स के बारे में। ये राष्ट्रपति भवन म्यूज़ियम के अंदर बहुत ब्यूटीफुल सी सेटिंग दी गई है, जहाँ का माहौल बहुत ही शांत है, बहुत अच्छे से ट्रीज़ वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से चलते हैं अंदर, और अंदर जाने से पहले एक चीज़ लिखा है, अंदर शोर ना करें, तो ये कंडीशन याद रखें। दिया गया है स्टेबल सेटिंग, उसके बारे में बताया गया है पहले के ज़माने में। आ जाते हैं नंबर 2 पर। यहाँ पर दोस्तों ओल्ड कल्चर को दर्शाया गया है, कितनी ब्यूटीफुल क्लीनिंग मिलेगी, तो ओल्ड कल्चर को दर्शाया गया है। और नंबर 3 पे आ जाते हैं दोस्तों, नंबर 3 पे दोस्तों ये मिलने वाला है जो हमारे देशी प्रेसिडेंट हैं उनको जितने भी अवार्ड्स मिले हैं वो सारे यहाँ पर ब्यूटीफुल तरीके से रखे हैं, उनको दर्शाया गया, दिखाया गया लोगों को, ताकि आप समझें। ये 3rd नंबर था, ये आ गया दोस्तों 4th। फोर्थ में भी दोस्तों आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो ये उनको जो अवार्ड्स मिले थे दोस्तों। नंबर 5 दोस्तों रिप्लेस का कैरियट ऑफ 1st एम्परर ऑफ चाइना प्रेसिडेंट से जो उनका संबंध था उसके बारे में बताया है, ये नंबर 6 है। और नंबर 6 में भी दोस्तों यहाँ पे सारे ही अवार्ड्स और जो भी प्रेसिडेंट को रिसीव होते प्लेकर्स सबको यहाँ पर अवेलेबल है। चेयर है जो प्रेसिडेंट पहले यूज़ कर सकते थे, अब करते थे अपने बेसिक इस्तेमाल के लिए, उसको दिखाया गया दोस्तों। और यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारे अवार्ड्स देखने को मिलेंगे, पद्मभूषण अवार्ड्स,
पद्मश्री अवार्ड सारे यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। जो चीज़ें राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च की गई थी, जो प्राणी को उन्होंने इस्तेमाल किया था उस टाइम पे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। चलते हैं यहाँ से आगे, आगे देखते हैं क्या रह चुका है, उसको भी एक्सप्लोर। वो फर्नीचर है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिफ्टेड मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये वो फर्नीचर है। हमारे देश की जो फेमस इमारतें हैं, जामा मस्जिद, ताजमहल वगैरह, उनको दर्शाया गया है कैसे बनाया था और गवर्नमेंट ने क्या हेल्प की थी उसकी। टेबल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस्तेमाल की थी, उसको दिखाया गया। सिक्कों का एकीकरण किया बताया गया, एकीकरण और कौन कब कब चलाए गए और कब चलन से बाहर किए गए, कौन से सिक्के कौन से प्रेसिडेंट के द्वारा बेस्ट रहे, उनको कौन से प्रेसिडेंट को अवार्ड मिला अच्छे सिक्के चलाने का, उसके बारे में सब बताया गया। एरिया भी हो गया है अब कंप्लीट, यहाँ से लेते हैं एग्जिट यानी बाहर चलते हैं। बाहर आने के बाद दोस्तों वही ब्यूटीफुल सा गार्डन मिलेगा और बाहर का जो म्यूज़ियम रह गया है एयरक्राफ्ट वाला, वो और एक्सप्लोर कराते हैं, फिर यहाँ से चल के पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमारे देश के सारे प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी ब्यूटीफुल तस्वीर बनाई गई है गोल्डन तरीके से, और जो उनका लगेज था जिस पे जाता था वो रखा गया म्यूज़ियम में। आगे चलते हैं, थोड़ा सा म्यूज़ियम और रह गया। हमारे देश के राष्ट्रपति होने वाले हैं, ये प्रेसिडेंट के द्वारा इस्तेमाल की हुई चीज़ों के बारे में बताया गया। यहाँ पर प्रॉपर एक स्क्रीन भी बताया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट करके चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप प्रीवियस करके, होम पे जाके ये सारी आ जाती है, जो बेस्ट लगती है वो क्लिक करके जूम करके देख सकते हैं, तो इससे बहुत सारी नॉलेज गेन होने वाली है दोस्तों। दी इनविन पैक 1931 को यहाँ पर दर्शाया गया, देखिए गांधी और इनविन बैठे हुए समझौता कर रहे हैं, जब गांधी जी ने जो है गांधी विंस द ट्रांस फाइट ऑफ इंडिया, तो वो व्यू प्रॉपर लोगों के सामने दर्शाया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। मीटिंग बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन से पहले जो मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के बीच में, और ब्रिजेस जो है प्रेसिडेंट के साथ और अदर अन्य लोगों के साथ, तो उस चीज़ को दर्शाया गया है लोगों के लिए, और आप इसके बारे में इस पर स्क्रीन पर आके हिस्ट्री भी रीड कर सकते हैं प्रॉपर दोस्तों। पूरे ही दिल्ली का मैप मिलने वाला है, पूरे ही दिल्ली का मैप मिलेगा यहाँ पे आपको, ये प्रॉपर इसके अंदर है म्यूज़ियम के अंदर, पूरी दिल्ली का मैप बनाया गया है, यहाँ पर आप पूरा मैप छान सकते हैं, और मैप के जस्ट बराबर में दिल्ली के बारे में, दिल्ली की जो इमारतें हैं फेमस, जो एम्पायर वगैरह बना के छोड़ गए हैं, जो मुग़ल के द्वारा बनाई गई हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, ये अच्छे से उसके बारे में हिस्ट्री के बारे में जो है राष्ट्रपति म्यूज़ियम में दर्शाया गया है, और आप यहाँ पर आकर स्क्रीन पे आकर आप समझ भी सकते हैं, तो यहाँ लाइव भी देख सकते हैं। ये गैलरी भी पूरी प्रॉपर कंप्लीट हो गई है एक्सप्लोरिंग में, यहाँ से भी लेते हैं आज फाइनली दोस्तों, यहाँ से आ गए और बाहर, अब बाहर चल के आपको डिटेल प्रोवाइड करेंगे कैसे आना है, कब आना है, क्या लेकर आना है। आपको लाइफ में यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए एक बार, दुनिया की सारी नॉलेज मिलने वाली है, प्रेसिडेंट से गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत ही बेस्ट, और जितने भी स्टूडेंट हैं बच्चे हैं बड़े हैं सबको आना चाहिए। जैसे देखिए मेरे पीछे सारे बच्चे जो हैं, देखो पीछे से हाई भी कर रहे हैं, और जो है स्कूल के बच्चे मोस्टली आते हैं क्योंकि नॉलेज गेन होती है यहाँ से। ये साइड जो है पूरी, ये भी हमने आपको एक्सप्लोर करा दी, और ये वाली साइड जो है ये भी प्रॉपर एक्सप्लोर करा दी पूरा। लास्ट बस ये INS विक्रांत रह गया है, जो शिपक्राफ्ट है, तो ये है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, मतलब उसके बारे में प्रॉपर दिया गया है, आप पॉज करके हिस्ट्री रीड कर सकते हैं, तो यही रह गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये है INS विक्रांत, जिसको इस्तेमाल किया गया था और इसके ऊपर रखकर बहुत सारे एयरक्राफ्टों को यूज़ किया गया था, उस साइड से दिखा देता हूँ मैं, ये दूसरी तरफ से दोस्तों, इस पर रखकर जो है एयरक्राफ्टों का यूज़ किया था नौसेना के लिए, तो ये लास्ट रह गया था दोस्तों, R-11 का सामने इस्तेमाल किया गया है, तो इसके बारे में अच्छे से रीड कर सकते हैं, ना समझ आए यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। ये INS विक्रांत भी हमने एक्सप्लोर करा दिया, अब यहाँ से चलते हैं बाहर, बाहर चलकर आपको डिटेल प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। अभी चलते हैं यहाँ से बाहर, बाहर चलकर आपको देने वाले हैं सारी डिटेल कि कैसे आना है, कितने टाइम आना है, कैसे इसका टिकट बुक करना है, कितने रुपए का इसका टिकट प्राइस है, क्या लोकेशन है, क्या टाइमिंग है, सारी डिटेल बाहर चलकर देते, तो यहाँ से एग्जिट लेते हैं दोस्तों।
करते हैं दोस्तों एग्जिट। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं राष्ट्रपति भवन म्यूजियम से बाहर। अब लोगों का क्वेश्चन होगा यहाँ पर कैसे आना। दोस्तों यहाँ आने के लिए आप जो है सेंट्रल सेक्रेटरी मेट्रो से एग्जिट ले लीजिए, 20 रुपये सवारी लेगा वो यहाँ छोड़ देगा, 50 रुपये का इसका टिकट है, 50 रुपीज़ आप जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM टू 4 PM टाइमिंग है, बेसिक टाइमिंग जो इसकी है, तो आप 4 बजे से पहले आएँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। और जो है मंडे ऑफ रहता है दोस्तों, सारे दिन खुला रहता है, मंडे इसकी छुट्टी रहती है, मंडे को ही ऑफ रहता है। और यहाँ आने के लिए आपको जो है अपने साथ दोस्तों चार्जर वगैरह लेकर ना आए, फ़ोन का चार्जर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अलाउ नहीं है, फ़ोन तो कोई इशू नहीं है, बट चार्जर जो है ये सबमिट हो जाता है बाहर, क्योंकि मेरा ही आईफोन का चार्जर बाहर सबमिट हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही न्यू ब्लॉग के लिए, दिल्ली NCR के ऑल ब्लॉग्स के लिए। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड बाय।